खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरा मानना है कि ये जो बिल हैं ये बिल्कुल किसान के हित में हैं और इनके आने से एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन आएगा और किसान को इसके बड़ा भारी लाभ होने वाला है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग हैं जिनके स्वार्थों पे आँच आती है, तो उन लोगों ने जानबूझ के इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब जैसे पहले एक बात फैलानी कर देगी MSP खत्म होगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एज ए मिनिस्टर नहीं, मैं एक किसान के तौर पे बात करता हूँ कि जो MSP है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो किसी सरकार की कृपा नहीं है किसी किसान के ऊपर। कोई सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त नहीं कर सकती, ना वर्तमान सरकार समाप्त कर सका, ना पिछली सरकारें समाप्त कर सकती थी, और आने वाले 50 साल तक की मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले 50 साल में कोई भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त कर ही नहीं सकती। मैं किसानों को एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट सोच के तो देखो, 140 करोड़ का देश है, अगर सरकार खरीद नहीं करेगी तो इस सारी सिस्टम को ठीक कैसे रखेगी, रख ही नहीं सकती। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ना, वो कोई बढ़िया बात नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लास्ट की चीज है। सरकार ने किसान से कहा कि अगर तेरी चीज कहीं नहीं बिकती तो मैं उसका ग्राहक बैठा न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम शब्द देखो ना, न्यूनतम है, न्यूनतम लास्ट है। तो क्या मैं लास्ट पे रुक जाऊं? जरूरत है कि आप अधिकतम ले आओ, क्योंकि मैंने आपको सेफ कर दिया कि आप यहां जो सरकार ने सेफ कर दिया कि आप लास्ट में यहां आ जाइयो। लेकिन इससे पहले ट्राई करो, उड़ो ना, उड़ान भरो, जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओ, तो जरूरत इस बात की दे। लेकिन आने वाले पिछले 20 साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य ही अधिकतम मूल्य, और सबके सब ने मान लिया कि यही मूल्य लास्ट है। अब सरकार एक विकल्प लग रही थी कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है आपके लिए, ये तो न्यूनतम है, आप इससे आगे बढ़ो ना। और इसके लिए उसने एक ओपन मार्केट की कि भाई एक मार्केट हम खोल देंगे, उस मार्केट में आप ट्राई करो, आप अच्छी चीज़ पैदा करो, आप बढ़िया चीज़ पैदा करो और आप उसके अच्छे दाम लो, तो आप पहले वहाँ ट्राई करो ना। अगर आपकी चीज़ सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर 2000 है और आपकी चीज़ बढ़िया, अगर वो 2200 बिकती है बेच दो ना, अगर 2500 बिकती है बेच दो ना, अब 3000 बिकती है बेच दो ना। सरकार ने इसीलिए रिस्क लिया कि जो मार्केट फीस थी उसने उसको कह दिया अगर आप बाहर बेचोगे तो हम नहीं लेंगे, यानी कि सिर्फ 10-10, 8-70 रुपये का तो फायदा वही है क्या किसान को, 60-70 रुपये का फायदा तो, क्योंकि व्यापारी उसमें की जो बच्ची है उसको ज़्यादा पैसे देगा, तो 60-70 रुपये का तो फायदा वही है। वो केवल उत्साह के लिए दिया कि आपका उत्साह बढ़ेगा और आप अपनी चीज़ को बेचोगे, ऐसा ऐसा मार्केट डेवलप होगी और आपकी चीज़ ज़्यादा रेट पर बिकेगी। तो लेकिन ये कुछ लोग जो है, अब ये दूसरी बात है, ये कह रहे हैं आड़ती का और किसान का चोली दामन का साथ है, बहुत प्यार है, बिल्कुल सही है बात, मैं उस प्यार के खिलाफ नहीं हूं बिल्कुल भी, लेकिन मैं बार्गेनिंग पावर किसान को देना चाहता हूं। और जो किसान आंदोलन चलाने लग रहे हैं वो बार्गेनिंग पावर आड़ती के हाथ में देना चाहते हैं, बार्गेनिंग पावर आड़ती के हाथ में देना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा, मैंने एक आदमी की गेहूं खरीदी और मैंने आज तक जैसा एक चलती रही, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा कुछ किया था, पिछली सरकारों ने हर टाइम में सुधार आते रहते हैं, कमियां आते थे, तो वो पेमेंट मैंने किसान की जो पेमेंट थी वो मैंने आड़ती को दी। और मान लीजिए उसने 20,000 की हूँ डाल ली और वो 20,000 की जो पेमेंट है मैंने आड़ती को दे दी, और किसान उसके पास लेने गया, जब पेमेंट लेने गया किसान के पास, तो उसने उसका सारा हिसाब किया और उसको बताया कि आपने 8,000 रुपये मेरे से ब्याज पर लिए थे, ये इतने दिन आपका ब्याज और आपके हाथ में पर्चा दे दिया और पर्चा करके, और ये आपके 11,000 कुछ रुपये आपके ब्याज फलाना मिल के मिल गए, 9,000 आपके पेमेंट रही है, 9,000 आपके हाथ में, और उसने दे दिया। तो बार्गेनिंग पावर किसके बात चलेगी? आड़ती की बात। अब मैं ये कह रहा कि यही 20,000 रुपये मैं किसान को देने लग रहा, अब किसान की जेब में 20,000 रुपये है और किसान अपनी जेब में पैसे लेके आड़ती के पास आया कि लाला जी मैंने आपसे ये चीज़ ली थी, सेठ जी मैंने आपसे ये पैसे लिए थे, अब हिसाब कर लो, अब हिसाब करा। तो उस टाइम क्योंकि पैसे किसान की जेब में, तो किसान सौदेबाजी कराएगा, देख मैं लाला मैंने इतने पैसे आपसे सेठ जी लिए थे मैंने आपसे, आपका इतना ब्याज था, आप इसमें कुछ छूट करो, फलाना करो, दो बात क्यों करेगा, क्योंकि बार्गेनिंग पावर उसके हाथ में, क्योंकि जेब में पैसे उसके हैं। तो ये बार्गेनिंग पावर मैं किसान को देना चाह रहा। लेकिन जो किसान की लड़ाई लड़ने वाले बात जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे, जो कह रहे हैं हम किसान के दसी, वास्तविकता में किसान के दसी नहीं है, वास्तविकता में बिचौलिए के दसी हैं, वो लड़ाई बिचौलिए के लड़ रहे, किसान की लड़ रहे, लेकिन वो कहने लग रहे कि नहीं ये बार्गेनिंग पावर जो है ये आड़ती के पास रहनी चाहिए, किसान के पास नहीं, क्योंकि किसान तो अनजान है, किसान को तो कुछ भी पता नहीं है। और किस किस तरीके की बात कर रहे हैं कि MSP बाहर भी लागू करो, जब MSP में सरकार खरीदने लग रही, न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदने लग रही, तो बाहर किस बात की जरूरत पड़ रही? तो ये सारा का सारा जो है
पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है। कुछ अतास लोग हैं जो अतास लोग इकट्ठे गए और वो किसान को बदल रहे के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे। वास्तविकता में किसान का कोई इतनी है, ये बिल 100% किसान कहते से है।